गांधी ने कांग्रेस की विरासत को लेकर धरोहर नाम से 11वें संस्करण का एक वीडियो जारी किया। इसमें संदेश के तौर पर राहुल ने लिखा, स्वराज और राष्ट्रवाद का सीधा संबंध अहिंसा से। देश को दहलाने की बड़ी साजिश को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया नाकाम। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी के दौरान 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर। पेटीएम गूगल प्ले स्टोर पर एक बार फिर से उपलब्ध है। इसे गूगल प्ले स्टोर ने कुछ समय के लिए हटा दिया था। पेटीएम ने हाल ही में फैंटेसी लीग की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर नापी गई भूकंप की तीव्रता 2.8। दुनिया में 3,06,91,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, कुल केस 9,56,000, कोरोना मरीजों की मौत 74,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। अमेरिका में 69,25,941 कुल कोरोना संक्रमित केस, 2,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 25,30,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में 92,969 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 95,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। एक दिन में 1,221 कोरोना मरीजों की मौत हुई। देश में 53,00,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 10,13,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 85,625 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। 42,00,000 से ज्यादा कुल केस। महाराष्ट्र में 21,656 से ज्यादा हुए कोरोना मरीज, कुल 11,67,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 31,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में सामने आए 4,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, 2,38,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। राजस्थान में 1,817 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, 1,11,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। प्रदेश में कोरोना के 2,457 नए मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में 24 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। देवाड़ी में नगर परिषद के 3 कर्मचारियों समेत 58 नए मरीजों की पुष्टि, 22 तारीख तक बंद रहेगा नगर परिषद कार्यालय। प्रदेश के सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलने प्रस्तावित हैं, लेकिन इससे पहले सभी टीचर्स का कोरोना टेस्ट होना जरूरी। यमुनानगर में भी 9वीं से 12वीं तक के 111 स्कूल खोले जाने हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक अगर इजाजत देंगे तभी विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का सोनीपत दौरा होने वाला है। शाम को जेपी नड्डा सोनीपत पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और बहालगढ़ में कपड़ों के थैले का वितरण। रेवाड़ी से मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग के जिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया उसे 5 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे। सोनीपत के जखोली गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। बेखौफ बदमाशों ने पहले युवक की हत्या की, फिर सड़क पर ही शव को आग के हवाले कर दिया। फरीदाबाद में गौ तस्करों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। गौ तस्करों ने पहले पाली टोल पर नाकेबंदी को तोड़ा, फिर गौरक्षकों पर फायरिंग का खराब। हरियाणा की गठबंधन सरकार के विधायक रामकरण काला का कहना है कि अगर किसान इस बिल को नहीं स्वीकार करना चाहते तो फिर इसे लागू ही नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने कृषि बिलों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कृषि बिलों को लेकर एक बार फिर से गृहमंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि विपक्ष देश में हर अच्छे काम में रुकावट डालना चाहता है। कुरुक्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान को लेकर जिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से जागरूकता के लिए साइकिल रैली निकाली गई। नशा छोड़ने को लेकर संदेश देते हुए रैली कई गांवों से। आज से क्रिकेट का त्यौहार यानी कि आईपीएल शुरू हो रहा है। क्रिकेट के इस रोमांचक सीरीज का इंतजार क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ सट्टेबाजों को भी बेसब्री से होगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच आईपीएल आज से शुरू होगा। 13वें सीजन के पहले मैच में आईपीएल इतिहास की दो सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी।